मैं हूँ पूजा एंड वेलकम टू माय चैनल टूरिस्ट टीवी। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मथुरा में घूमने की जगह कौन कौन सी है, और अब मैं बताऊंगी वृंदावन। वृंदावन उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित एक ऐतिहासिक शहर है। यह ब्रजभूमि क्षेत्र के प्रमुख स्थानों में से एक है। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान कृष्ण ने अपने बचपन के दिन यहीं बिताए थे। ये शहर मथुरा से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वृंदावन को वैष्णववाद द्वारा पवित्र माना जाता है। वैसे तो वृंदावन धाम में पूरे वर्ष भर पर्यटक लोग आते रहते हैं, लेकिन कृष्ण जन्माष्टमी के समय कृष्ण की बाल लीलाओं और झांकियों को देखने के लिए हाँ भारी भीड़ जमा होती है। तो दोस्तों, अब मैं आपको वृंदावन के फेमस प्लेसेस के बारे में बताऊंगी। पहला है बांके बिहारी मंदिर। यह मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित देश के सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक है। यह मंदिर राजस्थानी शैली में बना है, और मंदिर में भगवान कृष्ण की छवि एक बच्चे के रूप में दिखाई देती है। जब भी आप वृंदावन में घूमने जाएं, तो बांके बिहारी मंदिर देखना ना भूलें। नेक्स्ट है प्रेम मंदिर। दोस्तों, वृंदावन में स्थित यह भव्य प्रेम मंदिर राधा कृष्ण और सीता राम को समर्पित है। सफ़ेद संगमरमर से निर्मित और बहुत जटिल नक्काशी से सजी यह मंदिर अपनी स्थापत्य सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है। जब भी आप वृंदावन में घूमने जाएं, तो प्रेम मंदिर को देखना ना भूले। बहुत ही अट्रैक्टिव मंदिर है ये। दोस्तों, नेक्स्ट है स्कॉन मंदिर। स्कॉन मंदिर श्री कृष्ण बलराम मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। इस मंदिर को 1975 में भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के निर्देश पर बनवाया गया था। वृंदावन में स्थित यह भव्य मंदिर देखने लायक है। जब भी आप वृंदावन धाम की यात्रा पर जाएं, तो इस्कॉन मंदिर को देखना ना भूले। बहुत ही अट्रैक्टिव है ये मंदिर, लोग इसे दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट है गोपेश्वर मंदिर। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, और भगवान को एक गोपी के रूप में दर्शाया गया है। भक्त यहाँ शिवलिंग पर यमुना का पवित्र जल डालते हैं। वृंदावन धाम के मंदिरों में यह मंदिर देखने लायक है। नेक्स्ट है राधा रमन मंदिर। गोपाल भट्ट गोस्वामी द्वारा निर्मित इस मंदिर की स्थापना 1972 में हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के देवता शालग्राम शिलाओं में से एक से स्वयं प्रकट हुए थे। चूंकि राधा की मूर्ति यहाँ मौजूद नहीं है, तो भगवान कृष्ण के पास रखा एक मुकुट उसे दर्शाता है। बहुत ही सुंदर है ये मूर्ति। दोस्तों, नेक्स्ट है रघुनाथ मंदिर। यह मंदिर भगवान विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी को समर्पित है। यह वृंदावन के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है, और यह ऊंची दीवारों से घिरा हुआ बहुत ही अट्रैक्टिव मंदिर है। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।